बिस्मिल्लाह मानी अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुनीर आईटी एक्सपर्ट। और आज मुझे दोस्त ने पूछा है कि सर मैक फिल्टरिंग कैसे की जाती है टीपीलिंग के अंदर। तो टीपीलिंग के अंदर अगर मैं इसको एक्सेस पॉइंट करूँ, एक्सेस पॉइंट का ये फ़ायदा है कि आगे मोबाइल वगैरह जिन लोगों ने अटैच करने हैं तो ये वाली एक्सेस पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है ताकि आपका मोबाइल पर अटैच हो जाए। और मोबाइल पे अटैच होने के बाद आपने मैक फिल्टरिंग कैसे करनी है वो ईजीएस्ट तरीका बता देता हूँ कि किस तरह करनी। आपने अपने मोबाइल में जाना है, मोबाइल की अबाउट में चले जाना है, अबाउट के अंदर वाईफाई का मैक एड्रेस होगा तो वो आपने नोट कर लेना है, ठीक है। नोट करने के बाद ये एक्सेस पॉइंट के साथ आपने अटैच मतलब आपने वो जो नोट किया होगा वो आपने इसके अंदर पेस्ट करना है। एक दफ़ा मैं रिफ्रेश करता हूँ, जल्दी जल्दी से हो जाए, ठीक है। आपने आ जाना है जी वायरलेस के अंदर आके, आपने आ जाना है मैक फिल्टरिंग के अंदर, ठीक है। मैक फिल्टरिंग के अंदर आएंगे, यहाँ से इसको इनेबल करेंगे और इसको आप करेंगे अलाउ करेंगे, ठीक है। अलाउ करने के बाद यहाँ से ऐड न्यू करेंगे, यहाँ पे जो मोबाइल में वो मोबाइल का आपने मैक एड्रेस दिया होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। बड़ा लिखना है, ठीक है, छोटा नहीं लिखना, ठीक है। जैसे वो लिखा है वैसे बड़ा लिख देना, चाहे वो छोटा लिखा आपने बड़ा लिखना है। यहाँ पे आपने नाम डाल देना, मुनीर आईटी एक्सपर्ट या अहमद या अली या जो भी डाल के स्टेटस करके सेव कर देना, ठीक है। फिर ये है, यहाँ से हमने इनेबल किया हुआ मैक फिल्टरिंग, ठीक है। तो उसका ये है कि कोई भी अटैच किसी के पास पासवर्ड हो, स्कैन हो, ठीक है, कुछ भी हो ना तो वो डायरेक्ट आपके साथ स्कैन नहीं कर सकेगा, पासवर्ड भी पता हो अटैच नहीं हो सकेगा जब तक उसका मैक यहाँ पे ऐड नहीं करना, ठीक है। तो जब मैक ऐड हो जाएगा तब आपने कनेक्ट करने से पहले मैक जो होगा उसको आपने डिवाइस मैक एड्रेस करना है, ठीक है। रैंडम मैक एड्रेस नहीं करना, डिवाइस मैक एड्रेस करके आपने अगर पासवर्ड लगाया तो पासवर्ड ऐड करके आपने कनेक्ट करना है तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप रैंडम मैक एड्रेस पे करेंगे तो रैंडम मैक एड्रेस से वो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपने डिवाइस मैक एड्रेस उठाया तो डिवाइस मैक एड्रेस ही कनेक्ट होगा। मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट अगर आप कहते हैं तो मैं प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए बना के तो वो शेयर कर दूँगा।